दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए। क्या कहा जाए, क्या बोला। बाबा देवाधिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव आया, दुख आई, तकलीफ आया, कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है, शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी, ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं, हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना, किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाना, तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, ये भी शिव आराधना। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ और बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ, और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्या अध्ययन कराया है, एक एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं है, उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा, पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था वो पैसा नहीं था उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान माने, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है उसको, उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाइए, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाई है अपने भीतर, श्रेष्ठता बहुत सारी। और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा,
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए, जानवर